अब प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा क्या था? एक सेल्फ एक्टिंग मशीन थी जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन। ठीक है, ऑटोमेटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग। तो ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में क्या था। एन ऑटोमेटन इज एन एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ एक्टिंग कंप्यूटिंग डिवाइस विच फॉलोज अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऑटोमेटा क्या था? एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन थी, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है या फॉलो करता है। तो जो फाइनाइट स्टेट मशीन है, जिसे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन भी बोला जाता है या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा बोला जाता है, वो अ फाइनाइट स्टेट मशीन इज ए कंप्यूटेशनल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ फाइनाइट और कॉन्स्टेंट स्टेट। तो फाइनाइट स्टेट मशीन या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या है? एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, एक कंप्यूटेशन मॉडल है जिसमें क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं या कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं जिसे हम काउंट कर सकें। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकें। तो ये एक ऑटोमेटा ही है जिसमें क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते। दूसरी डेफिनेशन, दूसरी तरह से हम क्या कह सकते हैं, एन ऑटोमेटन विथ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इज कॉल्ड एज फाइनाइट ऑटोमेटन, इज कॉल्ड एज फाइनाइट ऑटोमेटन और फाइनाइट स्टेट मशीन। एन ऑटोमेटन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फाई टपल। फाई, हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा को फाई टपल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू जीरो और एफ, वेयर क्यू इज द सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। क्यू क्या है? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स का सेट है। सिग्मा क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड अल्फाबेट। सिग्मा क्या है? अल्फाबेट है, एंड हमें पता है कि अल्फाबेट क्या होता है, सेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ सिम्बल्स। डेल्टा क्या है? एक ट्रांजिशन फंक्शन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल कॉलन क्यू इंटू सिग्मा गिव्स क्यू, यानी कि किसी स्टेट पे आप कोई अल्फाबेट देते हो तो आपको अगेन एक स्टेट मिलती है। क्यू जीरो क्या है? एक इनिशियल स्टेट है फ्रॉम वेयर एनी इनपुट इज प्रोसेस। जो भी इनपुट आएगा उसकी प्रोसेसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? इनिशियल स्टेट से, एंड इट ऑल्सो बिलोंग्स टू स्टेट क्यू। क्यू जीरो जो है वो क्यू में से ही होगा, जो सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स हैं उनमें से ही कोई एक स्टेट होगी जो कि इनिशियल स्टेट होगी। एफ क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट और स्टेट्स ऑफ क्यू, मतलब सिंगल फाइनल स्टेट भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्यू जो एफ है फाइनल स्टेट्स, ये भी क्या है, क्यू के सबसेट होंगे, यानी ये जो फाइनल स्टेट्स होंगी ये भी क्यू में से ही होंगी, सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी हो सकती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्ट स्टेट और इनिशियल स्टेट, एन एप्लीकेशन स्पेसिफिक इनपुट अल्फाबेट यूज टू डिटरमाइन द ट्रांजिशन टू मेक। इसके पास एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं, यानी सिग्मा होते हैं, जिससे हम ट्रांजिशन फाइंड करते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ इनपुट सिंबल हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करते हैं। और ट्रांजिशन फंक्शन दैट यूज एप्लीकेशन रूल्स और कंडीशंस टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट टू गो। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या करता है? उसके पास खुद के रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है या कंडीशंस होती हैं जिससे वो डिटरमाइन करता है कि किस नेक्स्ट स्टेट पे जाना है। वी कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज। हम फाइनाइट ऑटोमेटा को बना क्यों रहे हैं? मेन यही हमारा टॉपिक है कि हम ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स क्यों बना रहे हैं। तो हम बना रहे हैं टू रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज, किसी भी मशीन की लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा आएगा, सपोज अल्फ़ाबेट जो है वो 01 है, आप एक लैंग्वेज डिज़ाइन करो, सपोज एक लैंग्वेज एल है जो क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विथ ऑड नंबर ऑफ वंस। इस लैंग्वेज के अंदर वो सारी स्ट्रिंग्स हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे। सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज दिस लैंग्वेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना पड़ेगा इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, कि वो सारी स्ट्रिंग्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस हों उसको वो फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कर ले। उसके लिए हमें मशीन बनानी पड़ेगी जो हम आगे के न्यूमेरिकल्स में देखेंगे।
तो एक तरह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि सपोज हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है एफ ए, उसमें हम कोई भी स्ट्रिंग देंगे, जैसे हमने कहा ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए, तो जैसे अगर 0 1 है एक स्ट्रिंग, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ वन है, सिंगल वन है, एंड सिंगल वन मतलब ऑड नंबर ऑफ वन है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज में ये सारी स्ट्रिंग्स होंगी, क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार होता है, तो इसके अंदर 0 1 भी स्ट्रिंग होगी, 1 1 1 भी स्ट्रिंग होगी जिसमें 3 1s हैं, 5 1s वाली स्ट्रिंग भी होगी, और 0 और 3 1s वाली भी होगी, तो लैंग्वेज डिफाइंड होगी पूरी, ठीक है। इन लैंग्वेज में ही 0 1 बिलोंग करता है, यस, तो आंसर फाइनाइट ऑटोमेटा क्या देगा, यस, ठीक है। अगर मैंने स्ट्रिंग बोली 1 0 1, तो इसमें कितने वंस हैं, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो क्या ये एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा हमें आंसर क्या देगा, नो। फाइनाइट ऑटोमेटा एफ ए चेक्स इफ ए स्ट्रिंग प्रेजेंट इन लैंग्वेज एल और नॉट। फाइनाइट ऑटोमेटा ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग आपने उसे इनपुट में दी है वो उस करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज जिसके लिए वो ऑटोमेटा डिज़ाइन किया गया है उसको वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, उस लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मेन यही कंसेप्ट है फाइनाइट ऑटोमेटा।